फा में से कुछ ध्वनियां हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक हैं, जैसे सर्दी सर्दी, गर्दन गर्दन आदि। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे विद्वान महान, परिषद संसद आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे ना लिखने की छूट है, जैसे अर्ध अर्ध, तत्त्व तत्व। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख दुख। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर पढ़कर। हिंदी भाषा की विशेषताएं व उपलब्धियां। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। ये भारत में लगभग 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा तथा लगभग 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड मुख्य हिंदी भाषी प्रदेश हैं। हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। इसके उच्चारण व लेखन में एक रूपता है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर बी है, ध्वनि ब है, परंतु हिंदी में अक्षर अ की ध्वनि भी अ है। हिंदी फिजी देश की भी राजभाषा है। ये मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। हिंदी भाषा का प्रयोग अमेरिका में लगभग 1 लाख, मॉरिशस में लगभग 68,600, दक्षिण अफ्रीका में लगभग 8,90,292, यमन में लगभग 2,32,760, युगांडा में लगभग 1,47,000, नेपाल में लगभग 80 लाख, न्यूजीलैंड में लगभग 20,000 तथा जर्मनी में लगभग 30,000 निवासियों द्वारा किया जाता है। डॉक्टर जयंती नोटियाल ने 20 वर्षों तक देशी तथा विदेशी भाषाओं के आंकड़ों का अध्ययन करके ये सिद्ध कर दिया है कि हिंदी भाषियों की संख्या चीनी बोलने वालों से अधिक है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। आजकल टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन और अन्य कार्यक्रम भी हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के हैं। हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व की संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। इसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती। भोजपुरी, गढ़वाली, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि ऐसी ही कुछ बोलियां हैं। उपभाषा, उपभाषा बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। इसमें साहित्य रचा जाता है। किसी भी बोली को जब विस्तृत प्रदेश में बोला जाने लगता है और उसमें साहित्य रचना की जाती है तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे ब्रज, मैथिली, अवधी तथा खड़ी बोली को पहले बोलियों में रखा जाता था, किंतु इन्हें बोलने का क्षेत्र विस्तृत होने और इनमें साहित्य रचना होने के कारण ये उपभाषाएं बन गईं। ब्रज में सूरदास ने सूर सागर, अवधी में महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा मैथिली में विद्यापति ने पदावली रची। इस प्रकार इन्हें उपभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा है। ये अत्यंत वैज्ञानिक है। इसकी प्रकृति लोचदार है। अनेक विदेशी भाषाओं, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी के शब्द इसमें समाहित हो चुके हैं। विदेशी शब्दकोशों में भी हिंदी शब्द पाए जाने लगे हैं। हिंदी भारत के विस्तृत भूभाग में बोली और समझी जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार, महाराष्ट्र आदि तक इसका प्रचार प्रसार है।
राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि है। इसका व्याकरण अत्यंत नियमबद्ध है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने राष्ट्र को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधकर स्वाधीनता प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तब से 14 सितंबर देश भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की अनेक बोलियां हैं जो उपभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। इन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी हिंदी, इसमें ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली आदि बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली बोलियां आती हैं। राजस्थानी, इसके अंतर्गत राजस्थानी बोलियां मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ोती आती हैं। बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं। पहाड़ी, इसके अंतर्गत हिमाचली, कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां आती हैं। लिपि, हम जो भी बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं, अर्थात मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। निम्नलिखित तालिका देखिए। भाषा, लिपि, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, बांग्ला बंगाली, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, तमिल तमिल, मलयालम मलयाली, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन। व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियमों को जानना आवश्यक है। ये नियम भाषा का व्याकरण ही हमें बताता है। ये वाक्य पढ़िए, कमल खिला में है तालाब। ये वाक्य पढ़ने में अटपटा लगता है, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम ठीक नहीं है। अब ये वाक्य पढ़िए, कमल तालाब में खिला है। वाक्य में शब्द किस क्रम में आते हैं, शब्द वाक्य आदि कैसे बनते हैं, उनके रूप, उच्चारण, भेद आदि का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। आओ जाने, भाषा के रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि का ज्ञान होता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रूप आदि का ज्ञान होता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के प्रकार, पद परिचय, वाक्य रूपांतरण आदि का ज्ञान कराया जाता है। मुख्य बातें।